अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाना किचन। जी तो व्यूज़, आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि है मशरूम राइस की। मशरूम राइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है वेजिटेबल्स हैं कुछ यहाँ पर मैंने ली, और एक छोटा प्याज है, ज़ीरा है, नमक है, और मशरूम्स है, और राइस मैंने लिए हैं 2 ग्लास ही हैं, और इनको अच्छे से वॉश किया है, भिगो कर रख दिया है। और चलो चलकर बाकी की चीज़ें मैं साथ साथ बताती जाऊंगी हमें क्या क्या चाहिए। तो चलो चलकर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमें क्या करना है, मशरूम्स लेने हैं। ये फुल इस तरह के मशरूम्स हैं, इनको मैं इस तरह से कट करूंगी। एक मशरूम से मैंने 4 पीस किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से आपने तमाम मशरूम्स में कट लगाने हैं, इस तरह से कट करना है उन्हें। ठीक तो व्यूज, यहाँ मैंने ली है एक पतीली। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल को, एक छोटा कप ऑयल का आपने इसमें ऐड करना है, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी, ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। एक छोटा प्याज लिया है मैंने, उसे बारीक बारीक चॉप कट किया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा अच्छे से फ्राई, लाइट सा गोल्डन जब होगा तो बस इतना हमें इसको गोल्डन करना है। प्याज फ्राई होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, जीरा का ऐड करेंगे हम। प्याज मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना, अच्छे से फ्राई हो जाए, लाइट लाइट सा इसका कलर चेंज हो, और हमें इतना फ्राई करना है, और बस इतना हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मशरूम्स को, मशरूम्स जो हमने कट करके रखे हुए थे वो जाएंगे इसमें। आप अपनी मर्जी से मशरूम्स ऐड कर सकते हैं जितने भी, अगर आप ज्यादा ऐड करना चाहते हैं ज्यादा ऐड कर लें। अब इन्हें हल्का सा साफ फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। मशरूम को हमने जस्ट 2 मिनट फ्राई करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये वेजिटेबल, जितनी भी वेजिटेबल आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, बंद गोभी ली है, और शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। बाकी की सब्जियां भी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए अब हम इसको ढक के रखेंगे ताकि सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएं। हम इसे मजीद फ्राई करेंगे सब्जियों को, और कोई मसाला हमने इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और जीरे में ये राइस तैयार होते हैं। मजीद मैं इसको 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। तो 5 मिनट मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी को,
क्योंकि चावल हमारे 2 ग्लास थे तो हमने डबल पानी ऐड करना है, तो यहाँ मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। अब हम इसे ढककर रखेंगे और वेट करेंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए और फिर हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावलों में हमारा अच्छे से बॉयल आ चुका है और पानी में हमारा आ चुका है। अब हमें इसमें चावल ऐड करने हैं। चावलों को ऐड करके हम इसको, जब पानी बहुत कम रह जाएगा तब तक का वेट करेंगे और फिर हम इन्हें दम पर रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। हमने पानी को बस इतना ही यूज करना था। अब हम एक गर्म तवा लेंगे और इसके नीचे रखेंगे और इसको हल्की आंच पर दम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। शीतल तवे को मैंने सेट कर दिया है और अब हम इसको ढक कर रख देंगे और 15 मिनट का दम देंगे। मज़ेदार किस्म के मशरूम राइस हमारे रेडी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।